हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट में। और आज हम इसमें जानने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी जो कि मार्केट के रिटर्न को भी लगभग 10% से बीट करती है। हाँ दोस्तों, आज की स्ट्रेटजी का आपने जैसा कि टाइटल में आपने पढ़ा होगा द फुलिश फोर। तो ऐसी फुलिश फोर ऐसी क्या स्ट्रेटजी है स्टॉक खरीदने की, तो आइए जानते हैं। तो US के एक इकोनॉमिस्ट हैं मोटले फुल, तो इन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी दी मार्केट के रिटर्न को बीट करने के लिए। जैसे मार्केट मान लीजिए आपका ईयरली 15% 16% का इंडेक्स जो है वो आपका रिटर्न देता है, तो उससे भी लगभग आपको 10% ज़्यादा ही रिटर्न मिलने वाला है इस स्ट्रेटजी को पढ़ के। तो आइए जानते हैं ये स्ट्रेटजी है क्या। तो सबसे पहले हमें चुनना है, जैसे हमारा निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो आप सब जानते हैं कि निफ्टी 50 जो है देश की टॉप 50 कंपनियों का वेटेड एवरेज करके एक इंडेक्स बनाया गया है। तो निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनियां हैं वो देश की टॉप 50 कंपनीज हैं। अब देश की टॉप 50 कंपनीज का मतलब है कि उनमें कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी, उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर होगी, काफ़ी टाइम से वो काम कर रही होगी। और उसी के साथ अगर नॉर्मल सी बात करें कि वो बेस्ट कंपनीज, उनका मार्केट कैप जो है लगभग 1,00,000 करोड़ के ऊपर ही होगा अगर वो निफ्टी 50 के अंदर हैं। तो निफ्टी 50 के अंदर अगर हम कहें कंपनी चूज करनी है कि हमें फुलिश फोर स्ट्रेटजी के तहत, ये जो स्ट्रेटजी है ये लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मान लीजिए मुझे 1,00,000 डालने हैं, मुझे 10,000 डालने हैं, मुझे 50,000 रुपये डालने हैं और मुझे स्टॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप अपनी ऐप खोलिए। आप अपनी ऐप खोल सकते हैं। ऐप में आपको जो निफ्टी 50 है उसके स्टॉक्स पर आप जाइए, स्टॉक्स में हर एक स्टॉक्स में 52 वीक लो 52 वीक हाई आपको दिखाता है। तो आपको मान लीजिए आज ही 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो आप बॉटम के ऐसे 5 स्टॉक्स सेलेक्ट करिए जो 52 वीक लो के नियर में हैं, है ना। मतलब आपको कौन से स्टॉक्स देखने हैं, ऐसे टॉप 5 लोअर 5 स्टॉक्स देखने हैं जो अपने 52 वीक लो के नियर टर्म में, क्योंकि कंपनी क्वालिटीज़ की है तो हो सकता है किसी ना किसी टेम्परेरी कारण के कारण वो 52 वीक लो के आसपास हों। जैसे मैं अभी कुछ एग्जाम्पल के रूप में नाम लेना चाहूँगा, जैसे UPL है, HDFC बैंक है, टेक महिंद्रा है, ये कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो है निफ्टी के अंदर और इनका परफॉर्मेंस अभी कुछ टाइम से पिछले 1 साल से अच्छा नहीं है। तो मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो ऐसे में लास्ट की जो 5 कंपनीज है उनको छाटूंगा। अब मान लीजिए मेरे पास लास्ट की 5 कंपनी आ गई, तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, सबसे करीब है 52 वीक लो के, उस कंपनी को मैं हटा दूंगा। मतलब उस कंपनी को मुझे हटा देना है, उस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। अब बची मेरे पास ऊपर की 4 कंपनीज, तो ऊपर की जो 4 कंपनीज है उसमें जो सेकंड लास्ट कंपनी, एक तरह से जो 5 में से सेकंड लास्ट कंपनी है, उसमें मुझे डालना है अपना 40% पैसा। मान लीजिए मुझे 10,000 इन्वेस्ट करना है, तो उसके अंदर मैं डालूंगा 4,000 रुपए। उसी के बाद उसके ऊपर वाली की बात करूं तो ऊपर के जो 3 बचे उनके अंदर मुझे अपना 20% लगभग 2,000 इसमें, 2,000 इसमें, 2,000 इसमें। ये मैंने एक 10,000 रुपये से आपको एग्जांपल के रूप में समझाया है कि 10,000 रुपये अगर मान लीजिए मुझे लमसम इन्वेस्ट करने हैं 1 साल के लिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, फुलिश फोर स्ट्रेटजी का यूज़ करूंगा जिसमें मुझे मार्केट के रिटर्न को बीट करने में फ़ायदा मिलेगा। मैं जो लोअर 5 स्टॉक्स हैं उनको सेलेक्ट करूंगा, उन स्टॉक्स के बाद उनमें से मैं जो लास्ट वाला स्टॉक्स है उसे हटा दूंगा और ऊपर के 4 स्टॉक्स में सबसे सेकंड लास्ट में 40% 20% 20% 20%। आपको 1,00,000 डालना है, आपको 50,000 डालना है, कंपनी की क्वालिटी में कोई शक नहीं है क्योंकि वो निफ्टी 50 कंपनी है, है ना। और निफ्टी 50 में कंपनीज चेंज होती रहती है, तो अब हमें इस टाइप से इन्वेस्ट करना है और उस पोर्टफोलियो का रिव्यू हमें 1 साल बाद करना है। 1 साल बाद जो सबसे लोवेस्ट होंगे उनको हम वापस खरीद लेंगे, जो हाईएस्ट पे चले जाएंगे उनको हम बेच देंगे। तो इस प्रकार से हम हमारे मार्केट के रिटर्न को लगभग लगभग 10% से बीट कर सकते हैं। अगर मार्केट का ऑन एवरेज रिटर्न 15% है, तो आपको उन्होंने कई साल तक प्रैक्टिस किया है मोल्टले फुल ने, तो उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटजी दी है और उन्होंने ये बताया है कि लगभग 10% से हम मार्केट के रिटर्न को बीट कर सकते हैं। ऐसी ही अलग अलग टाइप की वीडियोस, अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजीज जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो